करेंगे क्यूटीपिन एसआर 300 mg टेबलेट के बारे में और जानेंगे है कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कितने दिन तक इसका यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं और क्या इस टेबलेट की आदत पड़ती है या नहीं पड़ती। तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे क्यूटीपिन एसआर 300 mg टेबलेट के बारे में। दोस्तों क्यूटीपिन एसआर 300 mg के अंदर आता है जो इंग्रेडिएंट है वो है क्यूटापाइन सस्टेन रिलीज 300 mg। ये सस्टेन रिलीज है दोस्तों, इसका मतलब ये इस एक गोली का असर 6-7 घंटे तक रहता है। अगर कोई गोली है वो बिना सस्टेन रिलीज है तो वो 3-4 घंटे के अंदर उसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन सस्टेन टेबलेट का आपका जो असर है 6-7 घंटे तक रहता है। तो इसके अंदर जो क्यूटापाइन है दोस्तों ये डॉक्टर की सलाह से ही यूज किया जाता है, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। बात करें कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, तो देखिए ये स्किजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम में काम आता है। स्किजोफ्रेनिया क्या है, एक मानसिक रोग होता है दोस्तों। इसमें क्या है कि व्यक्ति बहुत ही मतलब चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और अपने आप से बातें करने लगता है, ऐसे मतलब दूसरों को लगता है यार ये पागल है, लेकिन वो एक एक्चुअली एक मानसिक रोग होता है स्किजोफ्रेनिया उसे कहते हैं। इसके साथ साथ ये इसे बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर दोस्तों मूड में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में कभी हैप्पी हो जाता है कभी दुखी हो जाता है व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो इन प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरीके से काम करती है, ये कुछ केमिकल मैसेंजर के लेवल को बढ़ा के काम करती है जिससे कि व्यक्ति का मूड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सके। बात करें डोज की, तो इसकी एक टेबलेट रात को सोते समय ले सकते हैं, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, बिल्कुल सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ सावधानियां जैसे कि प्रेगनेंसी ब्रेस्टफीडिंग लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। अगर एल्कोहल यूज़ कर रहे हो उस टाइम इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय भी इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि नींद आ सकती है लेने के बाद। साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में गर्मी हो सकती है, कब्जी हो सकती है, उल्टी हो सकती है इसका यूज़ करने के बाद। तो दोस्तों फुल रिव्यू था क्यूटीपिन असर 300 mg के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन सी मेडिसिन वीडियो देना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखने